चल रहा है, तो मुझे मैं पहले अपने एक आदमी को भेज कैंपस क्लियर कराया कि यहाँ पास वाकई में धर्म प्रचार कार्यक्रम चल रहा है या नहीं। तो जैसे ही वो एक आदमी भेजा तो वो लोग उसको बैठा के प्रेयर करने के लिए बोले, तो मुझे तुरंत सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर धर्म प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने तुरंत CSP साहब को और जूट मिल टीआई को मैंने फोन किया और वो लोग तुरंत कार्य उनके पहुंचने पहले हम लोग एक दो पार्षद और 8-10 कार्यकर्ता मिल के हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो ऊपर में पूरा टीवी डीवीडी सब चल रहा था और टोटल वहाँ पर जितने लोग थे 100% हिंदू लोग थे। उनका आधार कार्ड यदि वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो 100% हिंदू ही निकलेंगे और उसमें से हम पूछा गया तो भी वो लोग हिंदू हैं बोले, और उनको पूरा ड्रेस पहनाकर उनके साथ यानी उनको प्रेयर कराया जा रहा था। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे तो वो लोग सब इकट्ठे हो गए और लेडीज़ लोगों को सामने करके झारा बेलचा वेलचा बेलचा सब लेके हम लोग प्रहार करने लगे और लूट झपट करने लगे, इसमें चैन में भी खींच लिए और 100% धर्म प्रार्थना कार्यक्रम ही चल रहा था। प्रार्थना कर रहे थे तो अभी उनको लेकर थाना जा रहे हैं और वहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर उसके अनुसार से फिर कार्रवाई की जाएगी। साहित्य और डीवीडी वगैरह भी जब्त किया गया है। जो बाइबिल है वो 6-7 बाइबिल था वहाँ पर, उसको लेके जा रहे हैं और साथ में जो प्रोजेक्टर था उसको भी लेके जा रहे हैं। महिलाओं के साथ कुछ कार्यकर्ताओं से झूमा झटकी की भी शिकायत मिली है सर, उस वीडियो भी सामने आया। हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि कुछ झूमा झटकी हुआ है इसके पहले, पुलिस के आने के पहले हुआ है। पुलिस के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसी पर अभी जिनको चोट लगी होगी तो उस पर MLC भी कराएंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लग रहा है कि धर्मांतरण का मामला है। नहीं, उसमें मैं कह नहीं पाऊंगा कुछ। कितने लोग कोई 6-7 लोग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा है, ये जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का है, जहां पर एक प्रार्थना सभा में कुछ संगठन के लोगों ने आकर हंगामा करना शुरू कर दिया और उसके बाद धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया और वहां पर आराधना को रोका गया। ये जो घटना है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की सावित्री नगर की है, जहां पर कुछ मसीही लोग मिलकर एक किराए के मकान में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और किसी ने शिकायत किया कि यहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ BJP के कार्यकर्ता और कुछ अन्य संगठन वहां पर पहुंचे और वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। उसके जवाब में कार्रवाई करते हुए मसीही लोगों ने भी भरपूर उनका मुकाबला किया और कई लोगों को पिटाई भी कर दिया, कई लोगों को चोट भी आया है, इस प्रकार की ये खबर आ रही है। लेकिन जो आपने वीडियो देखा है वो वीडियो सच्चा है और रायगढ़ का है और ये जो घटना है वो सच्ची है। बताया जा रहा है कि मसीही लोगों ने कुछ कार्यकर्ताओं को उनका सामना किया, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे वो अचानक आकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने लगे, नाम पूछने लगे और भी बहुत कुछ वहां पर हंगामा करने लगे। उसके जवाब में वहां के पास्टर और विश्वासी लोगों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और कई कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। उसके बाद संगठन लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी कि यहां पर ये हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो पुलिस आई और वहां पर देखा कि एक मकान में लगभग 35 से 40 लोग एकत्रित है और बाइबिल भी है, गाने की किताबें भी है, इस प्रकार किताबें, ये सब सामग्री जो पुलिस ने क्या किया अपने कब्जे में ले लिया और पास्टर और विश्वासियों को जिनमें महिलाएं भी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की और उनको थाने में लेकर चली गई है। जी हाँ, इस प्रकार का ये जो न्यूज़ है वो छत्तीसगढ़ से आ रहा है। किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी दल को ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर उनकी जो आराधना को बंद कराएं, उनसे आधार कार्ड मांगे, उनसे पूछताछ करें। ये किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी संगठन को ये अधिकार नहीं है। कोई अथॉरिटी वाला आ जाता है, कोई सरकारी अधिकारी आ जाता है तो केवल उनको ही अधिकार है कि वो आपसे आधार कार्ड मांग सकते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है ये पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो हर दिन ऐसे ही हो रहा है कि मसीही की मंडली में चर्चों में जाकर इस प्रकार का हंगामा कर रहे हैं। जब मसीही लोगों ने इस हंगामे को रोकना चाहा तो ये लोग और भी हंगामा करने लगे, जिसके कारण से कुछ मसीही लोगों ने उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया। आपके चर्च में इस प्रकार से हमला हो जाता है या बाहरी कोई भी व्यक्ति आपके प्रार्थना में आ जाता हो तो कृपया करके इस बात को ध्यान रखें कि आप उनको पकड़ कर रखें और तुरंत पुलिस को सूचना दें कि हमारे चर्च में अज्ञात व्यक्ति आ गए हैं और हमला करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अगर कोई भी आपके ऊपर हमला कर देता है तो कृपया ये ध्यान दें कि अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो उनको पकड़ कर रखें, वीडियो बनाएं और पुलिस को सूचना दें। अगर आप कम लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बचने की कोशिश करें, तुरंत पुलिस को सूचना दें और जो वीडियो आप
रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि वीडियो सुरक्षित रहे। अगर वह आपका फोन को लेकर भी जाते हैं, आपका फोन तोड़ देते हैं, तो जो वीडियो आपने अपने दोस्त को शेयर किया था वो सुरक्षित रहेगा। कुछ फोटो भी ले ले तो जिसके कारण से वो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन उल्टा मसीह लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। तो कृपया करके प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।